क्यों तुम्हारी लड़ाई नहीं बंद हो रही है? आरू से कह रहा है टिंगा ले लो टिंगा ले लो। तो अभी दाल में ना मैंने बनाई है मूंग मसूर की दाल, क्योंकि ससुर जी को वही खानी है, सिटी नहीं निकली है। प्याज लहसुन दोनों चीज मैंने यहाँ काट के छील के रख ली है, बस इसकी सिटी निकल जाए तो मैं दाल में तड़का लगा दूं और रोटी बना दूं। दाल और रोटी बनेगी, सिंपल सा खाना और कुछ भी नहीं। पता है आजकल मेरे घर में बहुत सिंपल खाना बन रहा है ना, क्योंकि सास ससुर को ना सिंपल खाना पसंद है। मैं अगर कोई गुजराती रेसिपी बना दूं या फिर कुछ तामझाम जो कहते हैं ना कुछ रेसिपीज बना दूं ना, तो उन लोगों को पसंद ही नहीं आती है। उनके हिसाब से अब खाना बन रहा है, तो खाना पीना थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है पहले की अपेक्षा। तो अब जैसा उन लोगों की इच्छा भैया वैसा ही करना पड़ेगा, क्या करूं। तो अभी दाल की सीटी निकल जाती है, उसके बाद फिर दाल में तड़का लगाऊंगी। और अभी मशीन में ना कपड़े धुलने यानी कपड़े धोने हैं मुझे, क्योंकि दोपहर में ना मैंने धो नहीं पाए थे। तो अभी पानी चला दिया इसके अंदर, ये सारे कपड़े एक दो बार है ना मैंने पानी में निकाल लिए काफ़ी अच्छे तरीके से। अब इन कपड़ों को मैं डालूंगी इसमें, मैं इस तरह से ना इसी में धो लेती हूँ, क्योंकि बाथरूम में जाकर अगर धोने बैठते हैं ना तो हम पूरे गीले हो जाते हैं। तो सारे दिन मैं बाथरूम में तो बैठ के कपड़े धो नहीं सकती हूँ, तो बस इस तरह से इसमें धो के फिर वापस से ड्रायर के अंदर डाल दूंगी। तो मैडम देखो पीछे पीछे घूम रही है फोन के लिए, मैंने कहा फोन नहीं मिलेगा। ये दिख गई मुझे तो दिख गई। तो चलो कपड़े धो लेती हूँ फटाफट से और खाना भी बनाना है। पता है मेरी ये जो साड़ी वगैरह ना सब धुली हुई ड्रायर के अंदर रखी थी, मोलू आया और जो धुले हुए कपड़े थे ना यानी ड्राई किए हुए कपड़े थे ना, वो सारे कपड़े उठा के इसके अंदर डाल दिए। तो दोबारा से मुझे वो सारे कपड़े धोने पड़ेगा। आजकल ना वो काम बहुत ज़्यादा बिगाड़ता है मेरा। अरे बढ़ जाए ना मशीन तो मुझे आवाज़ देते ना, ठीक है। और ससुर जी बैठे हैं वो बाहर, दिखेंगे नहीं, मेरी वजह से ना थोड़े से ओटक में बैठ गए, कहते हैं ना थोड़ी साइड में होके बैठ गए। तो ये है हमारे वहाँ के रीति रिवाज। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि दी आपके सास ससुर क्यों नहीं दिखते हैं अगर वो आपके साथ रहते हैं। तो मैं कहता रही हूँ मैं अगर यहाँ बैठी हूँ ना तो वो मेरे घर के अंदर गेट में भी नहीं आएंगी, गेट के बाहर बैठे रहते हैं। ये है यहाँ का रीति रिवाज। तो इस घर में मैंने कैसे एडजस्ट किया है ना वो मैं ही जानती हूँ, क्योंकि यहाँ के रीति रिवाज है ना आज से 20 साल पुराने, मेरी मम्मी के जमाने में जो हुआ करते थे ना उस टाइप के रीति रिवाज हैं। सो भैया मैं तो मैं क्या बोलूँ, मुझसे ही रीति रिवाज नहीं यानी सूट हो पाते हैं। और इस समाज में इस तरह से रहना जैसे कि मैं रह रही हूँ ना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। और मैंने तो उस चैलेंज को ना एक्सेप्ट भी किया और पूरा करके भी दिखाया, और मेरी फैमिली की सोच को ना बहुत ज़्यादा बदला है मैंने। पहले तो इतना था ना कि अगर ये जो हाथ है ना ये भी नहीं दिख सकते हैं बहुओं के, लेकिन जब से मैं आई उसके बाद काफ़ी कुछ बदला हुआ। लेकिन जो कहते हैं ना बुराई का पोटरा है ना वो मेरे सर पर आ गया, सारी जिठानियों को मेरी वजह से छूट मिल गई और बुराई किसके ऊपर आई, मेरे ऊपर है। पर मुझे लगता है जाने दो यार इन सब बातों से क्या होता है, लाइफ है उसको जी लो, एक बार मिली है। मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे सास ससुर मैं जय हम सब बैठ के एक साथ आराम से खाना खाएं। मैं उनको चलो मैं नहीं खा रही, उनके साथ बड़ों का सम्मान रखना है, तो मैं उनको अपने हाथ से देती भी जाऊँ ना कि खाना बना रही हूँ, गर्मा गर्म अपने हाथ से थाली में सर्व भी करती जाऊँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बट ये चीज़ हमारे वहाँ पर नहीं मिल सकती। ये समाज बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ समाज है। सो जो है वो आपके सामने, इसी वजह से मेरी फैमिली ना जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ तो सास यहाँ पर बहुत कम बैठेंगी, और मैं आज सोफे पे सामने बैठ गई, वरना सामने बैठो ना साथ में सोफे में तो उसमें भी बहुत बातें बनती हैं। लेकिन मैंने कहा कि मम्मी बहुत पुराना जमाना हो चुका, छोड़ो उस बातों को। तो बस मेरी यही सोच है ना, इससे मेरे घर वाले मुझे पसंद नहीं करते, अदरवाइज ऐसी कोई रीज़न नहीं है कि है ना मुझसे किसी की लड़ाई हो। बस मेरी ये जो सोच है ना इन लोगों को पसंद नहीं है, बस एक यही रीज़न है। और आप लोगों को ये बातें बहुत कॉमन सी लगती है ना कि हैं क्या, हाँ बंद कर दे नल बंद कर दे। आप लोगों को लगता है ना कि इतनी छोटी सी बात से इतना हो सकता है, हाँ डियर इतनी छोटी बात का नहीं आप बतंगड़ बनता है। अरे मैयो वो आपके सामने ऐसे बैठ गई है, लक्षण नहीं है सहूर नहीं है, और जी कहाँ सिखाओ है जाकी मैयो ने। ऐसे मेरे घर वाले ना मेरी सास के हमेशा कान भरे रहते हैं, ये वजह है कि मेरी सास भी थोड़ा सा अगर कुछ कहते हैं तो मेरे सामने बहू ऐसे बैठी है, ये है रीजन। और कोई लड़ाई नहीं मेरा आज तक मेरी सास से कभी झगड़ा है, पर्सनली झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन बोलना चलना बंद अगर कुछ होता है, नहीं आना जाना होता है ना, तो वो सब वही कान भरने वाले बहुत ज्यादा होते हैं जो कि रिश्तों में दरार नहीं पूरा गड्ढा कर देते हैं बहुत बड़ा, ये रीजन है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई फैमिली है, देखो माँ बाप अच्छे हों चाहे बुरे हों, माँ बाप माँ बाप ही होते हैं, चाहे वो मेरे हों चाहे जय के हों। तो माँ बाप है ना कहते हैं कितना भी बुरा कर ले, लेकिन अगर हम अपना फर्ज भूल गए ना तो हमसे घटिया कोई औलाद नहीं है, ऐसा मेरा मानना है।
और फिर सब ऊपर वाला देखता है, अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा फल देगा, बुरा करेंगे तो बुरा फल देगा। तो अच्छा करो, फल तो मिलता ही है, आज नहीं तो कल आगे पीछे मिलेगा ही मिलेगा। सो ये मेरे थॉट हैं जो कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और मैं अपनी लाइफ को भी ना इसी तरह से जीती हूँ। तो बस यही है, दाल की सीटी अभी तक नहीं निकली, चलो मैं तब तक कपड़े धोकर आती हूँ। कपड़े धुल चुके हैं, साथ ही साथ अब मैं यहाँ पे दाल में तड़का लगाने आई हूँ। और फ्राई पैन में मैंने लिया है थोड़ा सा सरसों का तेल, जीरा डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे डाल दूँगी लहसुन, और उसके बाद डाल दूँगी प्याज। और जब प्याज भुन रही थी ना तब मैंने हींग डाली थी, लेकिन वो आई थिंक स्किप हो गया। और जब प्याज अच्छी तरह से भुन गई, उसके बाद यहाँ पर टमाटर और हरी मिर्च भी डाल दिए, और बस इनको अच्छे से पका लेना है, भून लेना है। उसके बाद डालेंगे जो बाकी के मसाले रह गए हैं, वो जैसे कि धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला स्वाद के अनुसार। तो ये चीज़ें डाल देनी है और बस दाल का तड़का हो जाएगा रेडी। और मुझे कल कमेंट आया था कि दी आप इतनी ज़्यादा दाल मत खाया करो, सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। तो डियर ऐसा कुछ भी नहीं है, दाल है ना वो प्रोटीन का स्रोत होता है और हमारी बॉडी में प्रोटीन बढ़ाता है। तो दाल, एक कटोरी दाल आप एवरीडे खा सकते हो, बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है। तो ऐसा नहीं है कि दाल अपने हमारी बॉडी को नुकसान करता है। तो बस यहाँ पर मेरे दाल का तड़का हो चुका रेडी, दाल में तड़का भी लग चुका, हरे धनिया आज ख़त्म हो गए इसलिए मैंने डाले नहीं है। तो जब आ जाएंगे ना, कल लेकर आएंगे तब डालेंगे, और इसके बाद फिर मैं जाऊँगी सीधे ना रोटियाँ वगैरह बना दूँगी। और आज ढंग से वीडियो वगैरह शूट नहीं हो पाई है क्योंकि मोलू है ना फ़ोन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो इस वजह से आज है ना वीडियो ढंग से शूट नहीं हो पाई है मेरी। जब मैं आटा लगा रही थी ना उसके बाद वो फ़ोन लेके ही भाग गया था, तो मैंने कहा कि जाने दो रोटियां बनानी है ऐसे ही बना लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ, और जैसे ही आटा लगा के बस रोटियां बनाना स्टार्ट ही कर रही थी ना वो फ़ोन लेके भाग गया। फिर मेरे पास फ़ोन मुझे मिला जब मैं बर्तन धो रही थी तब, और वो आजकल ना बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गया है, और बच्चे को डांटें तो कब तक डांटें, तो वो मानता नहीं है, चाहे आप प्यार से बोल दो चाहे आप डांट के बोल दो। तो मैं सोचती हूँ कि अभी ये जो वक्त है ना उसको बीत जाने दो, ऑटोमेटिक वो सुधर जाएगा, सारी चीज़ों को सीख जाएगा। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और सीधी जा रही हूँ मैं बिंदी लगाने, सिंदूर तो है बट बिंदी नहीं है, दिखती नहीं है, पता है जैसे ही किचन में जाओ ना थोड़ी देर बाद देखो तो बिंदी गायब। अब स्टार्ट हो गया ये काम भी, अब स्टार्ट हो गया मेरा गर्मियाँ स्टार्ट। और कब से सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी अच्छी वाली बिंदी लेने जाऊँ, लेकिन लॉकडाउन इसकी वजह से ना भैया जो है उसी से काम चला रहे हैं अभी तो फिलहाल के लिए। सो अब ठीक है। और किचन में थी अभी है ना, पता है कितने बज रहे हैं, 12:30 बज रहे हैं, और मेरा अभी खाना पीना कुछ नहीं हुआ है क्योंकि ये सब नाश्ता वास्ता करके बैठे हैं सुबह, सबने अपनी अपनी पसंद का आज नाश्ता कर लिया है। अभी उसमें से पास्ता तो बचा हुआ रखा है, और यहाँ पे मैंने आलू भी छील लिए, लहसुन भी काट लिया, और यहाँ पे मेरी कढ़ाई हो रही है गरम। तो मैं ना सब्जी छौंकने जा रही थी, फिर मुझे ध्यान आया, देखो मैंने कढ़ाई में ना तेल भी डाल दिया है, तो मुझे ध्यान आया कि धनिया है ही नहीं, अब बिना धनिया के सब्जी कैसे बनेगी। तो बस अभी मैं ना ये धनिया को रोस्ट करूंगी, थोड़ा सा ठंडा करूंगी, और उसके बाद है ना इनको पीसूंगी, तब मैं सब्जी बनाऊंगी। तो अब मेरा काम है ना आज बहुत ही ज्यादा लेट हो गया है, बहुत ही ज्यादा। हाँ मामी है बेटा। हाँ। और ये मेरे साथ काम करवा रहा है, ऐसे खेल रहा है, काम करवा नहीं रहा है, ये काम बिगाड़ रहा है, काम कला रहा है, ऐसे तोतली तोतली नहीं बोलो। तो मैं बस पहले ना इनको पीस लूं, उसके
उसके बाद इतने पीस लूं जितने कि मेरी सब्जी के लिए भी काम आ जाए। फिर तो पैर में खाना पीना बना के फिर आराम से पीस लूंगी। और वैसे भी मैंने इतने ही साफ किए हैं, इनमें से इतनी सारी मिट्टी निकली ना। और मैं क्या है कि धनिया है ना, वो मैं पिसे हुए नहीं मंगाती हूँ, मैं हमेशा पिसे यानी घर पे पीस के बनाती हूँ। कभी बाई चांस कोई ऐसा मौका आ जाए कि चलो नहीं है इमरजेंसी है तो मैं पैकेट मंगाती हूँ, नहीं तो बस इसको इस तरह से भून लो थोड़ी सी देर धनिया को, उसके बाद देना थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर पीस लो ना बाबू, इसमें नहीं डालो कुछ भी। तो बस अभी यही फाइनल काम मेरा चल रहा है। और अभी वीडियो की अपलोडिंग नहीं की यानी एडिटिंग ही नहीं की है कल की वीडियो की। हाँ बेटा हाँ, और पूरी किचन अभी थोड़ी बहुत फैली है। देखो ये पराठे, इसमें तो अभी मैं आटा लगाऊंगी इसलिए मैंने इसे यहाँ रख लिया है। और ये चाय नाश्ते के बर्तन हो गए हैं, इसके बाद भी ये दूध वगैरह के जो बर्तन हुए हैं ना ये हैं। सच में एक इंसान अगर पूरा काम, मुझे शांत रहना बेटा, अगर एक इंसान पूरे घर का काम करता है ना तो सच में उसकी बैंड बज जाती है। और अगर दो छोटे बच्चे घर में हो तो और भी ज्यादा। चूल्हा नहीं, गर्म तेल है वो। मैं इससे बड़ी परेशान हूँ, मैं किचन में आई नहीं कि बस ये मेरे पीछे पीछे आया नहीं। और देखो पटा लेके और आता है, इस तरह से लेके आता है, खड़ा हो जाता है यहाँ पे आके। तो बस अभी पहले धनिया पीसूं फिर सब्जी बनाऊं। और 12:30 बज गए, मुझे तो लग रही है भूख, क्योंकि मैं पास्ता वास्ता जैसी चीजें ना बहुत कम पसंद करती हूँ। तुझे भी भूख लग रही है? अरे हाँ, प्लास्टिक के चम्मच दूर रखना गैस से, अभी ये गर्म नहीं हुए। इनको ना बस थोड़ा सा गर्म करना होता है, जो इनकी जो मॉइस्चर होता है ना, जो सीलन होती है वो बस इनकी हट जाए, फिर मैं इनको पंखे में ठंडा कर दूंगी। उससे क्या होगा कि एकदम ड्राई भी हो जाएंगे, फिर हम मिक्सी में पीसेंगे ना तो बहुत अच्छे से पाउडर फॉर्म में आ जाते हैं, नहीं तो क्या होता है थोड़े थोड़े से खड़े हो रह जाते हैं। तो इसकी वजह से ना चलो अब फटाफट से ये वाला काम मैं कर लूं। और मेरे पास अभी और भी धनिये पड़े हैं, उनको भी मुझे साफ करके रखना है। हाँ तो पानी वाले हैं, कौन है? कोई भी तो नहीं, मुझे लगा पानी वाले, कोई ना कोई चिल्ला रहा था। तो आप लोग खुद ही देख सकते हो कि धनिया कितने अच्छे से पाउडर फॉर्म में आया है, बिल्कुल भी दरदरा नहीं रहा। अगर दरदरा रह जाता है ना तो फिर दांतों में फंसने लगता है, इस वजह से ना मैं इस वाली प्रोसेस से करती हूँ। वैसे आप चाहें ना तो धनिया को धूप में रख के भी सुखा सकते हैं, अभी तो वैसे भी गर्मियों का सीज़न है, लेकिन हमारे वहाँ पर तो ना जो धनिया का कटोरा है ना वो बंदर ही लेके भाग जाएगा, इसलिए मुझे ये वाली प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। तो यहाँ पर अब मैं ना सब्जी के लिए तड़का लगा रही हूँ, और आज सब्जी में ना हींग जीरा और लहसुन, ये तीन चीज़ से सब्जी का तड़का लगा रही हूँ। ये वाली सब्जी इसी तरह से अच्छी लगती है। और बस यहाँ पे ना उसी के साथ मैंने आलूओं को भी भून लिया तेल में अच्छी तरह से, थोड़ा सा हल्दी नमक डाल दूंगी और आलूओं को अभी मैं थोड़ी देर पकने दूंगी, क्योंकि इस सब्जी में मैं पानी नहीं डाल रही हूँ, बिना पानी की बना रही हूँ। काफ़ी लोग पानी डाल के भी बनाते हैं, कैसे भी बना लो वो अपनी इच्छा है। और आप आलू डालना चाहो तो डालो, नहीं डालना चाहो तो मत डालो, ये फ्री वैसे भी बन जाती है। लेकिन हमारे घर में हमारे पति देव हमारे बच्चों को ना आलू तो चाहिए, इसकी वजह से मुझे डालना पड़ता है। और वैसे ये सब्जी मुझे हर तरह से अच्छी लगती है, आलू के साथ हो या बिना आलू के। और बस यहाँ पे जब आलू भुन गए तो मैंने ना फरी डाल दी थी, थोड़ी देर उनको भी पका लिया, फिर डाले हैं यहाँ पे मैंने बाकी के मसाले, जैसे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये मसाले मैंने डाल दिए। लास्ट में शायद मैंने थोड़ा सा गर्म मसाला डाल दिया था। और बस ये सब्जी है ना बहुत ज़्यादा आप मसालेदार ना ही बनाओ तो अच्छी लगती है। थोड़ी सी मैंने सिंपल तरीके से बनाई थी, तेल में भून भून के बहुत अच्छी लगी थी। और इस वीडियो को ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी मैं नहीं करूँगी, यहीं पर करूँगी ख़त्म। और अभी बता देती हूँ मैंने क्या डाला है। मैंने अभी डाला है नींबू का रस, क्योंकि इस सब्जी में मैं टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं डालती। वैसे तो मैं अमचूर पाउडर डाल देती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अमचूर पाउडर मेरा ख़राब हो गया, क्योंकि मैंने इस बार उसको फ्रिज में नहीं रख पाया। मैं ज़्यादातर ना अमचूर पाउडर फ्रिज में रखती हूँ। तो इसी सब्जी के साथ आज मेरी वीडियो होती है यहीं पर एंड। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कल मिलते हैं।